नमस्कार, अध्याय 4 चल रहा है हमारा और इसमें अगला टॉपिक है रुद्र वर की वंशागति। देखिए, वंशागति का मतलब है कि जो रुद्र वर्ग जनकों का है उस रुद्र वर्ग का उनकी संतति पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या उसी के अनुसार उसी से बनके कुछ नया रुद्र वर्ग आता है या वही रुद्र वर्ग आता है, वो क्या आता है। अब देखो इसका कैसे पता करें कि मान लो कोई एक शिशु है, एक बच्चा है और दो दंपत्ति उस पर दावा कर रहे हैं, ठीक है। वैसे रुधिर वर्ग से जो दावा है वो एग्जैक्ट पता नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ थोड़े से वेरिएशन से रहते हैं, क्योंकि दो रुधिर जब दो जनकों की वंशागति होगी, नर और मादा के रुधिर वर्ग की वंशागति होगी, तो वहां एक से अधिक प्रकार के रुधिर वर्ग मिलेंगे हमें, ठीक है। ऐसा जरूर नहीं है कि मान लो इसका ए है और इसका बी है तो यहां अब बताइए अब कौन सा ए बी ही मिले, ऐसा निश्चित नहीं है कि यहाँ ए बी ही मिले, यहाँ एक से अधिक प्रकार का मिलेगा, वो अभी करके देखेंगे हम। तो रुधिर वर्ग से वंशागति का पता लगाना एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन इससे फिर भी पता आइडिया लग जाता है। मान लो ऐसा हुआ कि जैसे ए और ए बी दो प्रकार के रुधिर वर्ग हैं, एक जनक का तो ए है और दूसरे का ए बी है। अब यहां से जो आंसर आएंगे वो आंसरों में से कोई ना कोई एक या दो रुधिर वर्ग नहीं आएंगे। जैसे चार अपन ने पढ़ रहे हैं हम, ए बी और ओ, तो कोई भी दो रुधिर वर्ग या तीन रुधिर वर्ग आएंगे, कोई एक नहीं आएगा। और उस बच्चे का मान लो वो एक रुधिर वर्ग है तो ये तो पता लग ही सकता है कि इनका नहीं है, ठीक है। अब रुधिर वर्ग की वंशागति कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में कुछ बातें करते हैं। तो जो मनुष्य है, मनुष्य में कौन से प्रकार रुधिर वर्ग पाए जाते हैं, ए बी ओ टाइप का, ठीक है। हम लिखते हैं कि मनुष्य में ए बी ओ प्रकार का रुधिर वर्ग पाया जाता है, ए बी ओ टाइप का रुधिर वर्ग मनुष्य में पाया जाता है। अब हम ये भी पढ़ चुके हैं कि रुधिर वर्ग का जो नियंत्रण करते हैं वो एलील्स के द्वारा होता है नियंत्रण, और इस प्रकार के रुधिर को नियंत्रित करने वाले तीन एलील्स होंगे, ठीक है, जिसका नियंत्रण ए बी और रुधिर वर्ग पाया जाता है, जिनका नियंत्रण तीन प्रकार का हो गया, इसलिए जिनका नियंत्रण तीन एलील के द्वारा किया जाता है। कौन कौन से एलील्स के द्वारा वो भी देखेंगे हम, जिनका नियंत्रण तीन एलील के द्वारा किया जाता है वो निम्न है, कौन कौन से, आई ए, आई बी और आई जीरो। पहला है आई ए, दूसरा है आई बी और तीसरा है आई जीरो या आई ओ। तो ये तीन प्रकार के एलील हो गए, आई ए, आई बी और आई जीरो। अब यहां पर दो प्रकार के एलील तो प्रभावी हैं और तीसरे प्रकार का एलील अप्रभावी है, ठीक है। तो ये तो है प्रभावी, ये है अप्रभावी एलील। तो इस तरह से ये तीन प्रकार के एलील हो गए, आई ए, आई बी और आई जीरो। अब जो रुधिर वो किन्हीं भी दो एलील्स की परस्पर क्रियाओं पर निर्भर करता है। तो किसी मनुष्य वर्ग एक बार में दो दो
दो एलील की परस्पर क्रियाओं पर निर्भर करता है। कोई भी दो एलील की परस्पर क्रियाओं पर निर्भर करेगा और जो वंशागति होगी वो मेंडल के नियम के अनुसार होती है। ठीक है, तो रुधिर की वंशागति मेंडल के नियम के अनुसार होती है। जो मेंडल के नियम हम पढ़ के आए हैं उनके अनुसार ही रुधिर की वंशागति होगी। अब आते हैं रुधिर वर्ग के जीन प्ररूप क्या होंगे। पहले एक बार हम इसको लिख चुके हैं, ठीक है। अब यह वंशागति में मैं एक बार और आपको लिख देता हूं, रुधिर वर्ग के जीन प्ररूप, उसको जो एलीलिक फॉर्म में हम लिखते हैं वो किस रुधिर वर्ग का क्या होगा। ठीक है, तो रुधिर वर्ग के जीनीय प्ररूप, ठीक है। देखो यहां लिख रहा हूं मैं क्रम संख्या, यहां लिखा जा रहा है रुधिर वर्ग और वहां अब उसका जीन प्ररूप, ठीक है, और यहां लिखूंगा उसका विवरण। कोई और उसमें अगर बात है तो वो यहां लिख दी जाएगी, ठीक है। क्रम संख्या एक, रुधिर वर्ग ए, सबसे पहले ए, तो इसका जीन प्ररूप क्या हो सकता है। देखो दो तरह का जीन प्ररूप हो सकता है, वो रुधिर की जांच करने पे ही पता चलेगा। पहला आई ए आई ए, दूसरा आई ए आई जीरो। ये दोनों प्रकार का जीन प्ररूप ए रुधिर वर्ग के लिए हो सकता है, दोनों प्रकार आई ए आई ए भी, आई ए आई जीरो भी। कौन सा यूज काम में लेना है, कौन किसका उपयोग करना है प्रश्न हल करते समय, वो हमें प्रश्न में दिया होगा। जब प्रश्न मिलेगा वहां दिया हुआ होगा कि आपको इससे वंशागति पता करनी है या इससे वंशागति पता करनी है, ठीक है। अगर इसका विवरण क्या है, ये समयुग्मजी और प्रभावी, दोनों ही प्रभावी हैं। देखिए आप, प्रभावी है और समयुग्मजी है, मतलब दोनों एक जैसे हैं। ये कैसा है, विषमयुग्मजी, वहां हमने लिखे थे इस तरह के। अब यहां एक तो प्रभावी है और एक है प्रभावी है, प्रभावी, ठीक है। इसी तरह से रुधिर वर्ग बी, दूसरा वर्ग अगर हम बात करें, ये आपको याद हो जाना चाहिए जिससे वंशागति का प्रश्न आप आसानी से हल कर सकते। बी सिंपल है, जहां जहां ए लिखा है वहां वहां बी लिख देंगे, तो बी का बन जाएगा आई बी आई बी और आई बी आई जीरो। ये तो वही समयुग्मजी प्रभावी है, और ये कैसा है, विषमयुग्मजी। ये है विषमयुग्मजी, ठीक है। तीन है ए बी, आई ए और आई बी। अब यहां पर क्या होगा कि अप्रभावी वाला नहीं आएगा, क्योंकि दोनों ही प्रभावी हैं, ए भी प्रभावी है और बी भी प्रभावी है। तो ये है प्रभावी विषमयुग्मजी,
दोनों ही भी हैं और कैसे है विषम युग्म जी, ठीक है। और नेक्स्ट है ओट, इसमें क्या होगा आई जीरो और आई जीरो, ये है समयुग्म जी अप्रभावी। तो ये चारों प्रकार के ब्लड ग्रुप्स के यहां पर जीन प्ररूप आपके कि किस में कौन सा आपको काम में लेना है, समयुग्म जी प्रभावी विषम युग्म जी, ठीक है। देखो इनको आपकी बुक में और तरीके से भी दिया गया है थोड़ा सा कि जो आई जीरो मैंने लिखा है इस आई जीरो को वहां पर स्मॉल आई से भी हम लिख रहे हैं। आई जीरो को स्मॉल आई से भी लिख रहे हैं तो कोई फर्क उससे कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब हम देखते हैं मनसागति, इसको लिख लें आप जल्दी से। अब बात करते हैं वंशागति की, ठीक है। तो वंशागति में वंशागति के चित्र बनाते हैं जो हमने मेंडल के प्रयोगों में बनाए थे उस तरह के, ठीक है। और एक प्रश्न हमारी बुक में दिया हुआ है कि एक शिशु है जिसके दो जिस पर दो दंपत्ति अधिकार जता रहे हैं, ठीक है। एक दंपत्ति का रुधिर वर्ग तो है ओ और बी, एक मतलब क्या है भाई दंपत्ति में क्या होगा एक महिला और एक पुरुष दो होंगे, तो एक तो कह रहा है कि मेरा रुधिर वर्ग ओ है और ए बी है, मतलब पुरुष का तो ओ है और स्त्री का ए बी है, और दूसरा कह रहा है कि पुरुष का तो है ए और स्त्री का है बी, ठीक है। लेकिन जो बच्चा है उस बच्चे का रुधिर वर्ग हमें मालूम हो जाए तो हम क्या उन दोनों के उसको मैच करके देख सकते हैं, ठीक है। कर लिया। देखिए प्रश्न है यदि एक शिशु का रुधिर वर्ग ए बी है, एक शिशु का रुधिर वर्ग बी है और उस पर दो दंपत्ति अधिकार जता रहे हैं, ठीक है, जिनमें से एक का एक दंपत्ति के पुरुष का रुधिर वर्ग ओ है और महिला का ए बी है और दूसरे में पुरुष का रुधिर वर्ग ए है और महिला का बी है, तो क्या वो उन दोनों में से कौन सा दंपत्ति उस महिला का उस बच्चे का जनक है, यह पता करना है हमें। तो प्रश्न यहां एक बार लिख देता हूं फिर आप उसको समझ लेंगे। प्रश्न है एक शिशु का रुधिर वर्ग बी है, ठीक है, एक शिशु का रुधिर वर्ग बी है जिस पर दो दंपत्ति अधिकार जताते हैं, दो दंपत्ति अधिकार जताते हैं जिन दंपत्तियों में से एक का रुधिर वर्ग तो पुरुष का तो ओ है और महिला का ए भी है, एक दंपत्ति में से पुरुष का रुधिर वर्ग ओ, ओ का मतलब एलील क्या होंगे, एलील हमें पहले से गिवन होंगे, अगर हमारे पास एलील नहीं होंगे ओ के तो हम बनाते ही हैं आई जीरो, लेकिन ए और बी में आपके यहां पर क्या होगा, जैसे मैंने अभी यहां बी का लिखा था
IBIB और IBI0, ये हमें दोनों में से कोई जो एलील है उसका वो हमें दिया हुआ होगा। तो एक दंपत्ति में से पुरुष का रुधिर वर्ग ओ एवं महिला का एबी, एबी का मतलब एलील क्या होगा, आई ए और आई बी है, ठीक है। दूसरे दंपत्ति का जबकि दूसरे दंपत्ति में से पुरुष का रुधिर वर्ग तो दिया हुआ है ए और महिला का रुधिर वर्ग दिया हुआ है बी, पुरुष का रुधिर वर्ग ए और इसका एलील है आई ए आई ए। अब देखो यहां जो एलील था ए का, मैं इसको ए का लिख रहा हूं, तो ए के दो प्रकार के एलील बन रहे थे, आई ए आई ए और आई ए आई जीरो, तो उसमें से कौन सा दिया है हमें, आई ए वाला। एवं महिला का रुधिर वर्ग बी और इसका एलील हमारे लिए गिवन है आई बी आई जीरो वाला, जो यहां लिखा हुआ था अभी, तो बालक के जैविक जनक ज्ञात कीजिए। जो इनिशियल में बात कर रहा था कि जो रुधिर वर्ग की वंशागति है उस रुधिर वर्ग की वंशागति से क्या हम किसी शिशु के जनकों का पता कर सकते हैं, तो वो उस वो प्रश्न है यहां पर, और इस तरह का प्रश्न परीक्षा में बनने की संभावना है आपके, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। जो हमने मेंडल के प्रयोग किए थे, मेंडल के प्रयोगों में हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने जनक लिए थे, उन जनकों के एलील्स को लिखा था, एलील्स को लिखने के बाद उसमें से क्या बनाए थे, गैमीट्स, युग्मक बनाए थे, और युग्मक बनाकर उनका क्रॉस करवा दिया था। बस वही काम हम यहां करेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं, इधर मैं लिख रहा हूं, हल कर रहे हैं इसका पहला जनक, और इधर लिखा जा रहा है दूसरा जनक। प्रश्न लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपकी बुक में दिया हुआ है, ठीक है, पेज नंबर 47 पर आप वहां से इसको देख सकते हैं, पेज नंबर 47 पर जो टेबल बनी हुई है उसके जस्ट नीचे दिया हुआ है इस तरह से इसको लिख करके, ठीक है। तो अब सबसे पहले काम हमारा क्या रहेगा, आप इनके एलील्स लिखेंगे यहां पर, जनक कैसे लिखेंगे, देखिए जनक पहले यहां लिखें आप माता और फिर लिखें आप पिता, इस तरह से इधर जनक माता और पिता, और एलील्स लिख लेंगे यहां, माता के एलील्स क्या है यहां लिखेंगे आप, पिता के एलील्स क्या है यहां लिखेंगे, इसी प्रकार से इधर लिखेंगे। और इसको लिखने के लिए आपको समय की आवश्यकता होगी, तो आपको समय दिया जाता है 2 मिनट का, आप इसको लिखिए, फिर हम ब्रेक के बाद आके इसको सॉल्व करते हैं।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक से पहले आपको यहां कुछ एलील्स लिखने के लिए दिए गए थे कि आप माता के एलील्स लिख लेंगे, पिता के लिख लेंगे, और इधर माता और पिता के एलील्स आप नोट कर लेंगे। कहां से करेंगे? ये सब सामने लिखा हुआ है, ठीक है, अलग से हमें कुछ देखना भी नहीं है। एक दंपत्ति, ये पहला दंपत्ति है जो हमने लिखा है, पहला जनक, उसके पुरुष का रुधिर वर्ग ओ और एलील साथ में लिखा हुआ है वहां, तो इसका तो हो गया आई ओ, आई ओ, ठीक है। इसको आपकी बुक के अंदर स्मॉल आई से दिखाया हुआ है, तो वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा है महिला का है आई ए आई बी, तो आई ए आई बी इधर आ जाए, दोनों साथ साथ चलते रहेंगे। माता दूसरा, ये दूसरा दंपत्ति आ गया, और महिला का रुधिर वर्ग बी है, और बी में एलील क्या है आई बी आई जीरो, और पिता का रुधिर वर्ग दूसरे दंपत्ति में पुरुष का रुधिर वर्ग है आई ए, तो और एलील है आई ए आई ए। अब बनाएंगे युग्मक। अगला काम होगा युग्मक निर्माण। देख लिए, यहां से दोनों अलग अलग हैं, तो दो प्रकार के युग्मक बनेंगे आई ए और आई बी। दोनों एलील एक जैसे हैं तो एक ही प्रकार का युग्मक निर्माण होगा आई जीरो। इसी प्रकार इधर देखिए, दोनों अलग अलग हैं तो दो प्रकार के युग्मक बनेंगे आई बी आई जीरो। यहां एक ही प्रकार का युग्मक निर्माण होगा आई ए। अब क्या करवाना है आपको, इनको क्रॉस करवाना है, इनका संकरण करवाना है। क्रॉस कैसे? माता का पिता से कराना है, तो यहां मैंने इसका क्रॉस करवाया तो ये बनेगा आई ए आई जीरो, और इसका मैंने क्रॉस करवाया तो ये बनेगा आई बी आई जीरो, आई ए आई जीरो आई बी आई जीरो बन गया। अब इधर मैं करवाता हूं इसी प्रकार से, इसका इसके साथ, तो आई ए आई बी, और इसका इसके साथ, वही हमारा काम, वही प्रभावी हम पहले लिखते हैं और अप्रभावी बाद में लिखते हैं। तो देखो क्या बनेगा आई ए आई जीरो, इससे रुधिर वर्ग आएगा ए। थोड़ा सा इसको मैं अलग दिखा देता हूं, इससे रुधिर वर्ग आएगा ए, इससे रुधिर वर्ग आएगा बी, इससे रुधिर वर्ग आएगा ए बी, और इससे रुधिर वर्ग आएगा ए। अब आप खुद पता लगा सकते हैं कि उस शिशु का, उस बालक का जनक कौन है, उसका जैविक जनक कौन है। बताइए कौन दिख रहा है आपको, ये पहले वाले जनक या दूसरे जनक? उस बालक का रुधिर वर्ग क्या है? बी। और बी रुधिर वर्ग किस जनकों की संतति में आ रहा है? देखो यहां ए आ रहा है, बी आ रहा है, यहां ए बी आ रहा है और ए आ रहा है, तो इनकी संतति में तो नहीं, किसकी में आ रहा है? पहले वाले जनक की में। तो उस बालक के जैविक माता पिता कौन होंगे? ये पहले वाले जनक। आ गया बात समझ में? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, असली माता पिता का पता कर सकते हैं रुधिर वर्गों से। तो नोट कर लें आप जल्दी से। तो ये है रुधिर वर्ग की वंशागति।
इस प्रकार से आप देखो और क्या हो सकता है, जरूरी नहीं है ऐसा ही प्रश्न बने, ये तो हमने बुक से कर लिया, प्रश्न कुछ और भी हो सकता है। प्रश्न देखिए अगला क्या हो सकता है, अगला मैं प्रश्न बना के आपको देता हूं कि एक जनक है, ठीक है, उन जनकों में प्रश्न है, एक जनक के रुधिर वर्ग निम्नानुसार हैं, तो उसकी निम्नानुसार अभी दिए जाएंगे तो बाद में लिख देता हूं मैं। देखिए माता का रुधिर वर्ग है ए और पिता का रुधिर वर्ग है बी, ठीक है, और एलील, यहां एलील है आई ए और यहां एलील है आई बी और आई बी, एलील दिए हुए होंगे, ठीक है। एक जनक के रुधिर वर्ग निम्नानुसार हैं तो उनकी संतति के रुधिर वर्ग याद करें, किसके संतति के रुधिर वर्ग ज्ञात करें, तो उनकी संतति के रुधिर वर्ग ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहां हम लिखेंगे जनक, यहां लिखूंगा मैं माता, यहां लिखूंगा मैं पिता, लिख दिया, दोनों के एलील्स लिख दिए जाएंगे, माता के एलील्स हैं आई ए आई ए और पिता के एलील्स हैं आई बी और आई बी। अब हम करेंगे युग्मक निर्माण, इससे तो बनेगा आई ए और इससे बनेगा आई बी, ठीक है, और अब हम करा देंगे इनका संकरण, तो इनसे जो संतति बनेगी उनके रुधिर वर्ग क्या होंगे, आई ए और आई बी आया, रुधिर वर्ग क्या आएगा ए बी, इनकी संतति का रुधिर वर्ग ए बी आएगा अगर इस प्रकार के एलील यहां भाग लेते हैं तो, और अगर एलील का टाइप बदल जाता है तो रुधिर वर्ग भी बदल सकता है, ठीक है। तो इस तरह से यह दूसरा प्रश्न भी है जिसको आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। अब आती है बात रुधिर वर्गीय आनुवंशिकता हमें क्यों जाननी चाहिए या इसकी उपयोगिता हो सकती है हमारे लिए, ठीक है। तो पहला तो यह है कि पैतृकता संबंधी विवादों को हल करने में सहायक है, ठीक है, तो रुधिर वर्ग की उपयोगिता, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, सबसे फर्स्ट पैतृकता संबंधी विवादों को हल करना, ठीक है। लेकिन एक बात मैं आपको इसको दोबारा फिर तिबारा रिपीट कर रहा हूं कि इससे एग्जैक्ट पता नहीं चल सकता, हम एग्जैक्ट आ जा सकता क्योंकि रुधिर वर्ग में वेरिएशन आ सकता है, वहां एलील पर डिपेंड करता है कि किस प्रकार के एलील ने वहां पर पार्टिसिपेट किया है। लेकिन जो सही बात, जो सही तरीका है पैतृकता का निर्धारण करना वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक मेथड होता है, एक तकनीक होती है जिसमें प्रत्येक मनुष्य का डीएनए, प्रत्येक मनुष्य का, प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए अलग टाइप का होता है, उसके जो अरेंजमेंट होते हैं उसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं उनका अरेंजमेंट अलग होता है, वो कहीं भी मैच नहीं करता है, क्योंकि दो व्यक्तियों का वो एक जैसा नहीं होता, और जनकों से निर्धारित हो जाता है
संतति का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस प्रकार की आएगी, तो सही तरीका यह है, लेकिन इसकी भी मदद ली जाती है इनिशियल स्टेज। मान लो पहली बार में ही पता चल जाए कि रुधिरवर्गीय मैच नहीं कर रहा, तो हो सकता है इसकी जरूरत पड़े, ठीक है। इसलिए सबसे फर्स्ट बिंदु यहां पर रखा गया है पैतृकता संबंधी विवादों को हल करने में सहायक है। दूसरी बात कि जो नवजात शिशु है, नवजात शिशु में रुधिर लयनता, मतलब उनके रुधिर में क्या होता है कि आरबीसी नष्ट हो रही है मान लो, या कोई और समस्या हो रही है, तो उस बात का पता करने के लिए भी ये सहायक होती है। ठीक है, तो नवजात शिशुओं में रुधिर लयनता, दूसरा बिंदु ये हो गया, ठीक है। और क्या हो सकता है कि आनुवंशिक रोगों के उपचार में, जैसे हीमोफीलिया आनुवंशिक रोग है, तो नवजात शिशुओं में रुधिर लयनता एवं आनुवंशिक रोगों के उपचार में आनुवंशिक रोग क्या होते हैं, ऐसे रोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। उदाहरण क्या है इसका, जैसे हीमोफीलिया। देखो हीमोफीलिया क्या है, एक ऐसा रोग होता है, एक ऐसी बीमारी होती है जिसका जिसमें रुधिर का थक्का बनने में अधिक समय लगता है, ठीक है। रुधिर का वैसे थक्का साधारण है 3 से 5 मिनट में रुधिर का थक्का जम जाता है, लगभग 5 से 5 1 मिनट तक रुधिर का थक्का हो जाता है। कहीं कोई चोट लगी, ठीक है, अब उस चोट रुधिर बहेगा, रुधिर शरीर से निकलेगा, शरीर में रुधिर की मात्रा निश्चित है और रुधिर हमारे लिए आवश्यक है। अब का थक्का नहीं जमा तो रहेगा और शरीर में कि रुधिर कमी हो जाएगी, और रुधिर की कमी होने से उस रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हीमोफीलिया रोग ये क्या है, जिसके द्वारा अगर किसी को है तो पैतृकता द्वारा की आनुवंशिकता के द्वारा यह पता लगाया जाता है। ये है भी कैसा रोग, आनुवंशिक रोग है, जनकों से पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। तो जब जनकों से पता लग गया कि इनमें हीमोफीलिया है, तो वहां उसकी पीढ़ी में यह पता लगाया जा सकता है कि उसको हीमोफीलिया आया है या नहीं आया है, और अगर आया तो उसका प्रारंभिक उपचार शुरू से ही प्रारंभ कर दिया जाए जिससे उसका इफेक्ट कम हो जाए। तो यह दूसरा काम हो गया हीमोफीलिया, ठीक है। अब अगला हमारा बिंदु है अंगदान एवं देहदान। अंगदान एवं देहदान, सबसे पहले होता क्या है, जब देखिए कोई मृत या जीवित, मृत व्यक्ति के तो उसके वारिस हैं, जीवित व्यक्ति खुद अपनाए, किसी रोगी में प्रत्यारोपित करने के लिए दे सके तो वो तो कहलाता है अंगदान। और देहदान होता है मनुष्य की या व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसकी बॉडी को ही दान कर दिया जाए चिकित्सक उपयोग के लिए, ठीक है, मेडिकल में काम में लेने के लिए, तो वो कहलाता है देहदान, ठीक है। अंगदान के द्वारा किसी व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। अंगदान बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका हो, क्योंकि शरीर के अंग है वो किसी कारण बस काम करना बंद कर देते हैं, कोई भी कारण हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ और आंतरिक कोई बीमारी हुई, उसके कान शरीर के अंगों ने काम करना मान लो बंद कर दिया, किसी भी एक अंग ने, जैसे किडनी, आपने तो खूब सुना होगा नाम कि उसकी तो किडनी फेल हो गई, सुना होगा ना किडनी फेल हो गई, इसका मतलब उसके जो किडनी है ब्रक है वो दो होते हैं, वो दोनों फेल हो गए। अब ब्रक रहने के लिए किडनी का फंक्शनिंग होना आवश्यक है,
ठीक है। अब जब फंक्शनिंग उसके किडनी का क्रियाशील होना आवश्यक है तो उसको किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ किडनी उसको लगाई जाती है। अब दूसरा जिंदा व्यक्ति कैसे दे सकता है कि एक व्यक्ति और काम किडनी से भी हो जाता है, चलता है, ठीक है। तो वो एक अपनी डोनेट करके दूसरे व्यक्ति को दे दे तो दोनों व्यक्ति जीवित रह सकते हैं, अंगदान आ गया, ठीक है। और भी शरीर का जैसे कोई कई बार क्या होता है कि किसी एक्सीडेंट में किसी व्यक्ति ब्रेन डेड हो चुका है। ब्रेन डेड का मतलब है कि उसका मस्तिष्क तो नष्ट डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसका मस्तिष्क तो काम करना बंद कर चुका है, लेकिन उसके शरीर के अन्य अंग काम कर रहे हैं, जैसे हृदय है वो काम कर रहा है, फेफड़े काम कर रहे हैं, किडनी काम कर रही है, और शरीर के और अंग है, आईज आंखों में आंखें काम कर रही है। तो उसमें क्या है कि उस व्यक्ति के ये विभिन्न अंग डोनेट करके दान कर, क्योंकि वो तो ब्रेन डेड हो चुका है, वो तो अब जीवित हो नहीं सकता, ठीक है, ब्रेन तो उसका खत्म हो चुका है, इसलिए उसके शरीर के अन्य अंगों को दान दे करके लगभग 50 लोगों की जान बचाई जा सके या 50 लोगों का भला हो सकता है, ठीक है। हमारे समाज में ऐसा इजीली नहीं होता है कि कोई किसी बॉडी को डोनेट कर दे, क्योंकि लेकिन हम उसको जला देते हैं या उसके और जो अलग अलग क्रियाकर्म वो कर देते हैं, कहीं जमीन में गाड़ देते हैं, तो के वो फिर किसी काम नहीं आई, वो बॉडी क्या काम आई, कोई मतलब की नहीं थी, वो जल गई, उसकी जमीन में दब गई। लेकिन अगर आप हमने किसी को प्रेरित करके या और जाके अगर उसकी बॉडी डोनेट तो वो लगभग 50 आदमियों के काम आएगी, 50 लोगों की हेल्प करेगी वो शरीर, और अगर तो भी उसको डोनेट किया जा सकता है, एक्सीडेंट ज्यादा हो गया तो उसको क्या है कि चिकित्सकीय क्षेत्र में जो मेडिकल की पढ़ाई करते हैं उनके एक्सपेरिमेंट करने के, प्रयोग करने के काम आ सकती है, ठीक है। तो इस तरह से यह होता है देहदान। तो देहदान में हम लिखना क्या है, मृत या जीवित व्यक्ति द्वारा ऊतक या अंग दान करना, जीवित व्यक्ति द्वारा कोई ऊतक या अंग दान करना, अंगदान एवं मृत व्यक्ति की, भाई जीवित व्यक्ति की तो देह कैसे दान होगी, तो मृत व्यक्ति की, मृत व्यक्ति के शरीर को दान करना देहदान कहलाता है। तो यह है अंगदान और देहदान। शरीर मृत व्यक्ति का ही दान किया जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये मैंने बता ही चुका है कि एक मृत देह, एक मृत शरीर लगभग 50 लोगों की मदद कर सकता है, 50 लोगों के काम आ सकता है, ठीक है। और अंगदान और देहदान कौन कर सकता है, बच्चे से लेकर के 90 साल तक का व्यक्ति, एक शिशु से, बालक से लेकर के और 90 साल तक का व्यक्ति अंगदान और देहदान कर सकता है, ठीक है। देहदान मृत्यु के बाद जीवित अवस्था में भी संभव, ठीक है। अब देखो भारत में, भारत सरकार जो है वो 13 अगस्त का दिन, जो 13 अगस्त का दिन है उस 13 अगस्त के दिन को अंगदान दिवस के प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ठीक है। 13 अगस्त अंगदान दिवस लोगों को प्रेरित करने के लिए, ठीक है। मृत शरीर से आंखें काम में लेनी है तो लगभग 6 से 8 घंटे के अंदर उनको काम में ले लेना चाहिए। तो ये रही हमारी अंगदान और देहदान की बात। इस तरह से ये चैप्टर हमारा यही पूरा होता है। अगली क्लासेस से हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। नमस्कार।